हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आशा देवस किचन। सो आज की हमारी रेसिपी है दही बड़ा। ये बहुत ही मजेदार रेसिपी है और काफी आसानी से आप इसे बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। सो लेट्स सी हमें इसे कैसे बनाना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम हल्का सा गर्म पानी ले लेंगे, करीबन आधा लीटर। उसमें हम ऐड करेंगे नमक 1 टीस्पून, उसे मिक्स करके साइड में रख लेंगे। और उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है कर्ड जो कि 2 कप है। उसमें ऐड करेंगे शक्कर 1 टेबलस्पून और नमक स्वाद अनुसार। काला नमक यहाँ पे हम थोड़ा सा एक चुटकी पर ऐड करेंगे और उसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे हमारा जो कर्ड है वो बिल्कुल रेडी है, तो हम इसे भी फ्रिज में रख सकते हैं ताकि अच्छे ठंडा हो जाए। और इसके बाद यहाँ पे मैंने ऑलरेडी उड़द दाल लिया है करीबन 1 कप और उसे सोक करके रखा था 2 से 3 घंटे के लिए। तो 2 से 3 घंटे बाद हम उसमें पानी पूरा ड्रेन आउट कर लेंगे और हमारा जो उड़द दाल है वो मिक्सर जार में ऐड करेंगे और उसका अच्छे से एक पेस्ट तैयार करेंगे। तो यहाँ पे पेस्ट तैयार करने के लिए मैंने 1/4 कप पानी डाला है और अब हम उसे अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे ये बराबर से ग्राइंड नहीं हुआ था, थोड़ा बाकी है, तो हम उसमें 1/4 कप और पानी ऐड करके इसका अच्छे से मिक्सर तैयार कर लिया है। तो यहाँ पे हमारा जो उड़द दाल का बैटर है वो बिल्कुल रेडी है। अब हम इसे बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं और थोड़ा सा हाथ में पानी ले लिया है। उसके बाद एक छोटा सा पोर्शन बैटर का लिया है और उसको राउंड शेप में थोड़ा सा किया है। उसके बाद हम उसे गर्म तेल में ऐड कर देंगे। सो अब हम ये प्रोसेस वापस बाकी के बैटर्स के लिए रिपीट कर लेंगे। सो यहाँ पे हमारा जो वड़ा है ये जब तक गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता तब तक हमें इसे फ्राई करना है। याद रहे कि हमें इसे मीडियम फ्लेम पर रखना है। सो हमारा जो वड़ा है ये प्रॉपरली फ्राई हो चुका है, बराबर गोल्डन ब्राउन दिख रहा है। सो इसे हम निकाल लेते हैं और उसे ऐड करेंगे जो हमारा मीडियम गर्म पानी था उसमें, और उसे 1 से 2 मिनट के लिए हम पानी में रखे रहेंगे। इसके बाद हम लोग वड़ा को पानी से निकाल कर उसे थोड़ा सा स्क्वीज कर लेंगे आराम से। सो वड़ा के अंदर जो पानी होगा हम उसे थोड़ा सा निकाल लेंगे, इसे ज़्यादा प्रेस नहीं करना है हमें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने वड़ा को स्क्वीज कर लिया है, पानी अच्छे से निकाल लिया है, उसे ट्रे या प्लेट में सर्व करने के लिए रख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा वड़ा भी तैयार है और इसके बाद हम ऊपर से इसमें ऐड करेंगे दही जो हमने पहले से तैयार करके रखा था। आप इसमें शक्कर, अगर आपको मीठा थोड़ा ज़्यादा चाहिए होगा तो इसमें शक्कर भी ऐड कर सकते हैं दही में। हमने सिर्फ इसमें 1 टेबलस्पून ऐड किया था। उसके बाद हम ऊपर से थोड़ा सा स्प्रिंकल करेंगे जीरा पाउडर। और साथ में ऊपर से वापस स्प्रिंकल करेंगे लाल मिर्च पाउडर। थोड़ी सी ग्रीन चटनी हम यहाँ पे पूरी तरह से स्प्रेड कर लेंगे। और उसके बाद हमने जो मीठी चटनी डालनी है वो भी इसे अच्छी तरह से पूरी प्लेट में स्प्रेड कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो बढ़िया दही बड़ा है वो बिल्कुल रेडी है। ये बहुत ही मज़ेदार दिख रहा है और काफ़ी टेस्टी भी है। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।